अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है। इफ यू कैन शो मी अ थम्स अप, अगर आप अपने उस पे। थैंक यू सखावत, ठीक हो गया। चलें जी, विल स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। ऑलराइट, तो आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाह सवार है और आई एम करंटली एट द फॉरेन सर्विस एकेडमी। मेरी स्पेशलाइज ट्रेनिंग हो रही है और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी जीबीसीसी की। और मैं सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था करंट अफेयर्स में, आप लोगों को थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाए। बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसा एग्जाम है जो जिसकी कन्वेंशनल तैयारी नहीं हो सकती, जिस तरह से आप बाकी पेपर्स को बुक से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक एक हिस्ट्री होती है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है और उसके अंदर एक मटेरियल, उसका चैप्टर क्लोज हुआ होता है। करंट अफेयर्स एक अफेयर्स का पेपर एक ऐसा होता है जो एक डेवलपिंग स्टेज में होता है, और इसके जितने भी टॉपिक्स आपने सिलेबस अगर देखा हो, इट्स वेरी ओपन एंडेड। तो इस पर हम बात करेंगे और इसकी तैयारी कैसे की जानी है इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलें, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्लाइड्स। ऑल राइट, तो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एवरी डे देर इज अ न्यू डेवलपमेंट। करंट अफेयर्स के जितने भी अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक सिलेबस में एक चीज नजर आएगी कि वो बहुत ओपन एंडेड है, बहुत ब्रॉड है। उसके अंदर उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपने ये टॉपिक करना है, ये वाला करंट अफेयर्स का इवेंट करना है। और आपने ये भी देखा होगा सिलेबस जो है इट्स बेस्ड ऑन सीएसएस का जो 2016 के अंदर सिलेबस रिलीज हुआ था, और 2016 के बाद काफी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उन चीजों के अंदर। तो इस हिसाब से जितना ओपन एंडेड इसका सिलेबस होता है, उस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि रोजाना के बेसिस पे इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई चीजें इमर्ज करती हैं हर हर एक पर्टिकुलर इवेंट में, हर पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में, किसी कॉपरेशन के किसी इवेंट में, और जितने भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यू स्टे अपडेटेड विथ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल अरीना एंड डोमेस्टिक स्फेयर। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप न्यूज़पेपर्स को कंसल्ट करें। आजकल न्यूज़पेपर्स आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती, न्यूज़पेपर्स आर इजीली एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। उसके अलावा इंटरनेट पे देर आर मल्टीपल एंड टन्स ऑफ रिसोर्सेस जो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ कि न्यूज़पेपर्स को रोजाना के बेसिस पे इंटरनेशनल अफेयर्स जो खास तौर पे, और जो करंट अफेयर डोमेस्टिक के जो करंट अफेयर्स हैं, इनको रोजाना के बेसिस पे कंसल्ट करें, ओपिट जरूर पढ़ें। इसके लिए एक मैं आपको आप कह रहे हैं हैक बता देता हूँ कि अक्सर हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं और सोशल मीडिया पे हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो सोशल मीडिया पे एक ऑप्शन है फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया एप्स पे भी, कि आप किसी भी पेज को सी फर्स्ट कर सकते हैं, कि अगर आप कोई अपना ऐप खोलें तो उसके अंदर पहली पहली जो चीज आपको नजर आए वो उस पेज से हो। तो जितने भी न्यूज़पेपर के पेजेस हैं, जितने भी एनालिसिस वाले पेजेस हैं, जो आपको एक अच्छा एनालिसिस पेज पेश करने वाले लोग हैं, एनालिटिकल लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ऑथर्स हैं, इनके पेजेस को आप बेशक लाइक करें और सी फर्स्ट करें, ताकि आप जब भी अपना सोशल मीडिया पेज खोलें तो वहां से आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही हो। ट्विटर इज अ गुड रिसोर्स, ट्विटर पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिल रही होती है। ऑल राइट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास के करंट अफेयर्स के इवेंट्स को लेके हम उनको पेपर के लिहाज से उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कि कोई अगर कोई एक हैपनिंग हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसको हम कैसे देखें। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि हुआ क्या है, कि व्हाट इज हैपनिंग। कोई भी फॉर एग्जांपल हम अभी ले लेते हैं नगोनो कराबाख में जो इवेंट हुआ है, नगोनो कराबाख में क्या हुआ है, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से पेश आया, व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंड, पीछे जितना कॉन्टेक्स्ट था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसका, कि किन चीजों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया इसके अंदर, कौन लोग थे, कौन प्लेयर्स थे इसके अंदर, कौन से स्टेट लेवल के प्लेयर्स थे, कौन से इंडिविजुअल प्लेयर्स थे, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, और क्या क्या फैक्टर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, एंड उसके फिर क्या इम्पैक्ट होंगे रीजन के ऊपर, उन स्टेट पार्टीज के ऊपर, और फिर
क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, तो आपने पाकिस्तान के लिहाज से भी उसका देखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये एक मैंने सीक्वेंस आपको बना के दिखा दिए कि आपने अपना जो पेपर है उसके अंदर आपके सारे एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, दे विल बी एनालिटिकल, और उसके अंदर आपने जो भी अपना एनालिसिस देना है, इस पे भी हम बात करेंगे कि एनालिसिस के अंदर आपका एक जो चीज़ है उसका आपने ख्याल रखना है, लेकिन जो भी आप एनालिसिस देंगे इट शुड बी बैक्ड बाय एविडेंस कि आपने जो भी बात की है कि उसको आपने प्रूफ भी करना है कि ये वाकई में जिस तरह से आप बात करें वैसे हो भी सकता है, मतलब हवाई बात नहीं कहनी। इसमें एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप किसी पाकिस्तान की स्टेट का नैरेटिव दे रहे हैं, स्टेट का जहाँ पे रोल आ रहा है वहाँ पे आपने कोशिश करना है कि स्टेट के नैरेटिव से बहुत ज़्यादा डाइग्रेस नहीं करें, ज़्यादा ना हटें। फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा आप उसके उससे कॉन्ट्रेरी अपना आंसर ना लिखें, क्योंकि कुछ जगहों पे स्टेट का नैरेटिव जो है वो उसके अगर आप खिलाफ लिखेंगे, उसके कॉन्ट्रेरी अगर आपका आंसर होगा तो दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू योर एग्जाम, आपके जो मार्क्स हैं उसमें थोड़ा सा मसला कर सकता है। इसलिए स्टेट नैरेटिव को भी ख्याल रखते हुए आपने अपना एनालिसिस देना है, लेकिन योर एनालिसिस शुड बी बैक्ड विद एविडेंस। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है सिलेबस। सिलेबस में आप देखेंगे कि हमारे पास उन्होंने ब्रॉडली तीन हेडिंग्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है आपके सिलेबस को। सबसे पहले है डोमेस्टिक अफेयर्स। डोमेस्टिक अफेयर्स अगर आप देखेंगे, इसको हम आगे देख लेते हैं वैसे, फिर आपके पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, एंड फिर जो ग्लोबल लेवल पे इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में। डोमेस्टिक अफेयर्स में अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये ऑलरेडी उसमें सारा कुछ कवर हो रहा है, लेकिन हम फिर भी मैं आप लोगों को डायरेक्शन देने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इवन दो वो नोट्स आपके लिए काफ़ी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि रोज़ाना के बेसिस पे न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उन नोट्स को आप यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट अपना बिल्ड करें। कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के बाद आपने फिर उनकी रोजाना के बेसिस पे उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है उनकी ना आपने खुद से नोट्स बनाते जाना है ताकि आप उसके ऊपर फिर अपना एनालिसिस बिल्ड कर सकें। तो पॉलिटिकल स्फेयर में, इकोनॉमिक स्फेयर में और सोशल स्फेयर में पाकिस्तान के अंदर जो करंट अफेयर्स के इवेंट्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा से डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको थोड़ी सी डायरेक्शन दे दूंगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दिस इज बीइंग कवर्ड इन पाकिस्तान अफेयर्स, इसलिए हम इसमें सिर्फ अपना लिमिटेड रखेंगे। ऑलराइट, पॉलिटिकल स्फीयर में अगर हम देखें, आजकल करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफ़ी पोलराइज है पाकिस्तान के अंदर। जो गवर्नमेंट है और अपोजिशन है, दे आर एट लॉगरहेड्स ऑन एवरी अदर इशू। मल्टीपल इशूज आपने जो रिसेंटली अगर देखे हो तो उनमें अकाउंटेबिलिटी का, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, इंस्टीट्यूशनल टसल्स का, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, उसके अलावा लॉ मेकिंग का, ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है जिनका काफ़ी इख्तलाफ है। तो आपका जो करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इसको लेके आपने प्रिपेयर ऐसे करना है कि जो भी आपकी लास्ट 3 ईयर्स से आप थोड़ा सा लेंगे 2018 के बाद से जो हमारी नई इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनके होते हुए जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हैं, इनके होते हुए जितनी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से इख्तलाफ है ऑपोजिशन का, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद जितनी करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन सारी चीज़ों में, तो इनमें जो मेन जो चीज़ें हैं उनमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आपने देखा होगा कि पिछले लास्ट कुछ ईयर से प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वापस लेकर आने के लिए एक एक डिबेट चल रही है, एक पब्लिक डिबेट चल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ये उसको पुश कर रही है, लेकिन एक जो डिबेट चल रही है इसकी बेसिस पे दे कुड बी अ क्वेश्चन के आपके ख्याल में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाकिस्तान के लिए कॉन्टेक्स्ट में कौन सा बेहतर है। तो इसके लिए यू शुड सी एंड प्रिपेयर योर एनालिसिस कि इसमें पाकिस्तान के अंदर जो एविडेंस है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और गवर्नेंस का, उसने क्या काम किया या नहीं किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने काम किया या नहीं किया, और कहाँ कहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर रही, एंड उसके बेसिस पे क्या अभी आपको लगता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर है।
ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप फिर अपना एनालिसिस बिल्ड करेंगे. इसी तरह फॉर इंस्टीट्यूशनल टसल्स, रिसेंटली वी हैव सीन के जुडिशरी वर्सेस द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव सिविल मिलिट्री रिलेशंस हो के, जुडिशरी वर्सेस मिलिट्री के भी रिसेंटली काफ़ी उभर के आ रहे हैं सामने. हमारे पास जस्टिस फैजीसा का जो फैजाबाद वाला डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग थी, उसके बाद से देयर हैज बीन एन टेसेड फॉर्म ऑफ टसल बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली द मिलिट्री और जो जुडिशरी है. और ये इसने ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को काफ़ी अफेक्ट किया है. तो इन इन जितने भी टसल्स हैं, इनकी हिस्ट्री, इनका कॉन्टेक्स्ट, इनके अंदर जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्लेयर्स जो हैं, फिर उनके अंदर रिसेंटली क्या डेवलपमेंट आई है, इसको सॉल्व करने के लिए किन किन लोगों ने और किन किन इंस्टीट्यूशंस ने क्या स्टेप्स लिए हैं, इनको आपको कंसल्ट करना पड़ेगा. और उसके बेसिस पे फिर यू विल फॉर्म योर ओपिनियन एंड एनालिसिस कि क्या ये पाकिस्तान को ओवरऑल अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के बाकी इंस्टीट्यूशंस पे और बाकी एरियाज पे क्या हो रहा है. सिमिलरली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हमने रिसेंटली देखा है कि पीटीआई गवर्नमेंट इज एडमेंट ऑन bringing electrical and digital form of vote casting, जिसके अंदर उन्होंने एक अपना sample machine बनाई है, और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि election commission plus opposition has been throwing a lot of opposition, a lot of critique. उन्होंने उसको काफ़ी कोशिश की है कि उस तरह की चीज़ ना आ सके, लेकिन PTI government is adamant क्योंकि वो चाहती है कि जो रिगिंग का एलिगेशन है जो कंटिन्यूसली पिछले हमारे जितने भी इलेक्शंस में उसके अंदर आता रहा है, उसको सॉल्व किया जाए. तो इंटेंट एक अच्छी इंटेंट के साथ बट विदाउट कंसेंसस एक चीज चल रही है जिसके ऊपर एक बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन होल्ड करता है पाकिस्तान के अंदर. इसको लेके फिर अगेन पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इलेक्शन 2017 का जो एक्ट है जो PMLN की गवर्नमेंट के अंडर आया, उसके बाद जो अभी इलेक्शन 2020 का ऑर्डिनेंस पीटीआई कर रही है, तो इन सारों को लेके उसके अंदर जो फ्लॉज थे और उसके बाद उसको हल करने के लिए पीटीआई अभी क्या कर रही है, और अभी जो वो जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं इस रिफॉर्म्स को, उसके अंदर क्या फ्लॉज हैं और उसके अंदर क्या बेहतरी आ सकती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. लास्ट तो इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं लॉ मेकिंग के ऊपर भी. आपने रिसेंटली देखा होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हुए भी सिंस पीटीआई डज नॉट एंजॉय द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, तो दे हैव बीन थ्रैशिंग आउट लॉज फ्रॉम ऑर्डिनेंसेस फ्रॉम द प्रेजिडेंसी. तो क्योंकि प्रेजिडेंसी को इस तरह से यूज किया जा रहा है आर्टिकल 89 ऑफ द I'm sorry, मैं थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो गया हूँ. मैं आपको दो मिनट के अंदर दोबारा ज्वाइन करता हूँ.